9 दिसंबर 2021 सीनियर एंकर एहसन ज़िया के कॉलम सदाए हरफ का उन्वान है, बर्बादी गुलिस्तान और बेखबर आईजी पंजाब। सियालकोट में श्रीलंका के शहरी की हलाकत, मॉडल टाउन कचहरी से संगीन जराइम में मुलव्वस खतरनाक मुलजमान का बासानी फरार, और अब पाकिस्तान के संती शहर फैसलाबाद में चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी जाने वाली दो खवातीन को सरे बाजार बरहना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने का मकरूह तरीन फेल। आखिर ये कैसे घनौने और इंसानियत सोच जराइम हो रहे हैं? हम कैसे पत्थर दिल रखने वाले मुआशरे में जीस्त की सांसें लेने पर मजबूर हैं? हमारे चार घोंट ये कैसी नस्ल तैयार हो चुकी है? जंगल के जानवर भी ऐसा नहीं करते जो इंसानों के इस जंगल नुमा मुआशरे में इस वक्त रूनुमा हो रहा है। वैसे तो बर्बरियत का एक ऐसा घनौना खेल है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस शर्मनाक खेल के खिलाड़ी तो सैकड़ों हैं, ताहम रोकने वाले या तो मौजूद ही नहीं, या फिर अगर कुछ हैं भी तो गोया आटे में नमक के बराबर। इन सारे वाकयात के दौरान पुलिस का मौके पर मौजूद होने के बावजूद कोई मौसर किरदार अदा करने के लिए टस से मस ना होना, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? विरताए हैरत में मौजन हूँ कि उर्दू लुगत से अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। सफाकियत, शैतानियत, बर्बरियत या फिर दरिंदगी, इनमें से कोई भी लफ्ज तो इन मकरू और भयानक अफालो अमाल की दुरुस्त तस्वीर कशी नहीं कर पा रहा। जहाँ तक लफ्ज दरिंदगी का ताल्लुक है तो यकीनन ये लफ्ज दरिंदा ही से निकला है। दरिंदा यानी जंगल का वो जानवर जो अपने शिकार को चश्मे जदन में चीर फाड़ कर रख दे। इसका शिकार कोई दूसरा जानवर या फिर कोई इंसान भी हो सकता है। तहम गौर तलब बात यह है कि दरिंदे भी अपने शिकार को चीरने फाड़ने के बाद नजर आतिश नहीं करते। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इंसानियत सोजी में तमाम हदें पार कर चुके हैं? अब तो ये खवातीन को भी सरे बाजार बरहना करके रुसवा करने में कोई दकीका फरोगजाश नहीं कर रहे। बाजार अमन के दाई और दीन इस्लाम को मानने के दावेदार ये हैवान नुमा लोग कौन हैं जो जहाँ दीन इस्लाम की तालीमात से यकसर आरी हैं तो वहाँ मुआशरती इकदार से भी मुकम्मल नाबिल्द नज़र आते हैं? यकीनन इनके इन भयानक अमाल पर न सिर्फ इंसानियत बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मसार है। इन वाकयात से कुछ ही अरसा कबल TLP के मार्च के दौरान 7-8 पुलिस एहलकारों की हलाकत और इन्हें हलाक करने वालों के साथ हुकूमत की जानिब से हाथ मिलाकर इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश करना बजात खुद परेशान कुन अमल है। ऐसे में मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के उस रास्ते का तयन भी होता साफ नजर आ रहा है जिस पर इसे अब आइंदा चलना है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। तारीख के औराक पलट कर देख लीजिए, निज़ाम इंसाफ और मेरिट के धड़न तख्ते के बाद मुआशरों और कौमों का तबाही के अमीक गड़े में गिरना कोई गैर मुतवक्का हादसा नहीं होता। ये एक ऐसा टाइम बम है जो टिक टिक करता हुआ पाकिस्तानी मुआशरे में भी फटने को तैयार नजर आता है। मुस्तकबिल करीब में पर्दा स्क्रीन पर तवायफुल मुलुकी की वो फिल्म चलने को तैयार नजर आती है जिसके शायद इस वक्त पाकिस्तानी ट्रेलर्स देख रहे हैं। सड़कों, चौराहों और गलियों में डंडे, लाठियां और असला उठाए 12 से 30 साल तक के जवान राह चलती गाड़ियों और लोगों को लूटते नजर आएंगे। बेरोजगारी, नाइंसाफी और मायूसी का शिकार करोड़ों नौजवान इस वक्त चलते फिरते टाइम बम बन चुके हैं जिन्हें कोई भी इंतहा पसंद मजहबी, लिसानी या गैर मुल्की अनासर बासानी अपना आलाकार बना सकते हैं। आफरीन है हुक्मरान वक़्त और ताकत व वसाइल के तमाम सोतों पर काबिज उस कलील जमात पर जिनके कान पर अब भी कोई जू नहीं रेंग रही। आप ब्यूरोक्रेसी या पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग्स में बैठकर देख लें, आप इन्हें बेहतरीन ओहदों के हसूल में मसरूफ अमल पाएंगे। गोया बर्बादी गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? ऐसे में लाहौर के एक जूनियर तरीन DIG ऑपरेशन एहसन यूनस की बतौर IG इस्लामाबाद तैनाती ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अपनी मुँह शगाफियों के लिए मशहूर DIG एहसन यूनस की तैनाती से अकदाए दिल खुलता है कि मेरिट और पुलिस रिफॉर्म्स की दावेदार मौजूदा हुकूमत इन्हीं की दजियाँ बखेरने में किस कदर संजीदगी से सरगर्म अमल है और शहर इकतदार का मारूफ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस जिम्मन में क्या गुल खिला रहा है। एहसन यूनस का 28वें कॉमन से ताल्लुक है जबकि इनके नीचे इस वक्त इनसे सीनियर 26वें कॉमन के दो अफसरान काम कर रहे हैं। मौसूफ का ताल्लुक उन चंद पुलिस अफसरान में से भी है जिनके बारे में श्रीलंकन क्रिकेट टीम हमला की इंक्वायरी करने वाले जुडिशल कमीशन ने वाजह तौर पर सिफारिश की थी कि इन्हें आइंदा कभी भी फील्ड पोस्ट ना दी जाए और इनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन्हें इस दिन तब्दील करके बेहतरीन पोस्टिंग से नवाजा गया जिस रोज़ इनकी नाक के नीचे मॉडल टाउन कचहरी के बख्शी खाने से एक दर्जन के लगभग खतरनाक जुराइम में मुलव्वस मुलजमान फरार हुए। इससे कबल ये लगभग 10 माह तक सुबह पंजाब से अपना
बैन सूबाई तबादला होने के बावजूद इसे टरकाते रहे और लाहौर में न सिर्फ DIG ऑपरेशन लगे बल्कि इसी दौरान IG इस्लामाबाद तैनात होने में भी कामयाब रहे। बताया जाता है कि इनकी नई तैनाती का अमल इस कदर पोशीदा रखा गया कि खुद IG पंजाब राव सरदार भी आखिरी वक्त तक इससे मुकम्मल बेखबर है। इन्हें यह खबर TV चैनल के जरिए से मिली जिसे देखकर इन्होंने इब्तदा में मीडिया को बुरा भला और झूठा करार दिया। ताहम बाद अज़ां जब इस खबर की तस्दीक हुई तो वो सर पकड़कर बैठ गए। ऐसे में सोशल मीडिया पर मॉडल टाउन कचहरी से खतरनाक तरीन मुलजमान के फरार के हवाले से आने वाली वीडियो से पता चलता है कि मुलजमान की जानिब से हड़बूंग मचाने, तोड़फोड़ करने और बाद अज़ां फरार होने में लगभग 1 घंटे से ज़ायद वक्त लगा। ताहम इस दौरान जदीद असले से मुसल्ला पुलिस अहलकार मुकम्मल खामोश तमाशाई बने रहे। इन्होंने ना तो इस जमीन में अदालत में मौजूद दीगर सिक्योरिटी स्टाफ से मदद लेने की कोशिश की और ना ही वायरलेस या किसी दीगर जरिए से आला हुकाम के इलम में ये बात लाकर मजीद नफरी भेजने की दरख्वास्त की। हालांकि SOPs के मुताबिक ऐसा करना लाजमी था। इससे दो बातें वाजह हैं कि या तो पुलिस का मोराल इस कदर घट चुका है कि पुलिस एहलकारों ने मुजामत ही नहीं की या फिर इसमें कोई गहरी साजिश कार फरमा है। माजी में भी इस तरह के मिलते जुलते वाकयात में फरार होने वाले कैदियों और मुलजमान ने बाद अज़ां दहशतगर्दी समेत संगीन जुराइम की बड़ी वारदातों का इर्तकाब किया। कहा जा रहा है कि एक रोज़ कबल भी कचहरी में मुलजमान की जानिब से इसी तरह का हंगामा बरपा किया गया। तहम आला हुकाम इस बारे में ला इल्म रहे। एक पुलिस अहलकार ने बताया कि बख्शी खानों की पुलिस सिगरेट, मोबाइल फ़ोन, खाना फराहम करने और अदालत में जल्द पेशी की मद में हर मुलजम से 500 से लेकर 1000 रुपये वसूल करती है। इस वाक़े के ज़िम्मेदार पुलिस अहलकारों की महज मौतली और वाक़े के बाद बख्शी खानों की सिक्योरिटी सख्त करने के रवायती अहकाम नाकाफ़ी हैं।